हाय गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, तो मैं गाइस आज मैं चल रही हूँ बनाने छोला, जो कि मतलब मौसमी चीज़ मौसम वाला चीज़ है, क्योंकि इस टाइम मतलब मटर और वाइट वाला चना, काबिली चना जिसे बोलते हैं, सब कुछ हुआ है, तो उसी का इस टाइम रोज एक एक चीज़ बन रहा है। तो बन रहा है आज छोला, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। गाइस देख सकते हैं आप लोग, मेरा आलू और मटर उबल गया है, और इधर है मसाला जो कि हरा धनिया, मिर्चा, मर्चा, नमक जो भी है, मतलब मसाला है, मैं पीस करके कर ली हूँ रेडी, बनाने चल रही हूँ। बनाऊंगी मैं गैस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गैस पे ही बनाऊंगी। बहुत ठंडी भर चूल्हे पे बनाई हूँ आइटम। तो गैस मेरा मसाला मतलब तेल और पंच फोरन हो चुका है। अब ले लेती हूँ मसाला, 5। गैस देख सकते हैं आप लोग, लक्की मसाला मेरा हो चुका है। ज़्यादा मसाला वसाला नहीं लूँगी, क्योंकि गर्मी पड़ रहा है, बट नया मटर है तो खाने में अच्छा लगेगा, इसकी वजह से बस हल्का सा मसाला लूँगी बस। हरा धनिया इस टाइम है खेत पे, तो एक खेत से आया है, तो हरा धनिया तो लेना ही ज़रूरी है, और बस वही लहसुन। तो गैस देख सकते हैं हम अपना मतलब बस उबालना बलकना बाकी है, 2-3 उबल हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा छोला रेडी। और अभी तो बस मसाला वसाला और पानी हल्का फुल्का लेके रेडी कर ली हूँ। तो गैस देखिए, छोला मेरा उबल रहा है, और बच्चों को भी भूख लगा है, तो फिर मतलब भूख क्या, अभी नाश्ता पानी हुआ, लेकिन फिर भी चाहिए, बन गया। तो देख सकते हैं आप लोग, बन चुका है मेरा छोला। नमकीन और प्याज अपना अपना लाओ। देख सकते हैं गैस, मेरा छोला मतलब बन करके हो गया है रेडी, और हम खाने भी जा रहे हैं। तो छोला और नमकीन ली हूँ इसमें, और प्याज। तो अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय। राधे राधे आप सभी लोगों को, वंदना की उनकी तरफ से।